उत्तराखंड के जोशी मठ के धौली गंगा घाटी में ग्लेशियर के अचानक टूट जाने के बाद ऋषि गंगा पनबिजली परियोजना का काम करने वाले कई मजदूरों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों ने इसकी सूचना दी। तपोवन पावर प्रोजेक्ट का डैम टूट जाने की वजह से बहुत से मजदूरों के बह जाने की आशंका है। यहां फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए ITBP और SDRF के जवानों को प्रभावित इलाकों में भेजा गया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ग्लेशियर के टूटने के बाद यहां की कई नदियों में बाढ़ आ गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्थिति का जायजा लेने और बचाव और राहत कार्यों की निगरानी के लिए एक आपात बैठक भी बुलाई है। ऋषिकेश और हरिद्वार में भले ही आपदा का असर महसूस न किया गया हो, लेकिन इन शहरों को अलर्ट पर रखा गया है। CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पानी की तीव्रता चमोली पहुंचते पहुंचते काफी कम हुई है और नदी किनारे के लोगों को हटा दिया गया है। अभी जानकारी मिली है कि साढ़े 9-10 के बीच में ग्लेशियर की घटना हुई है और इससे वहां पर जो बांध बन रहा था उसको क्षति पहुंची है। यहाँ पर जो कर्मचारी थे वहाँ पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अभी अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है, लेकिन अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुँचते पहुँचते काफी कम हो गई है, लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है अलर्ट करके उनको वहाँ से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है और जो टेहरी बांध है उससे पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है ताकि जो लॉन्च का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम हो। NDRF से दिल्ली बात हो गई है, गृह सचिव से, गृह मंत्री जी अभी जहाज में है, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है। NDRF भेजना है या किस तरह की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से उत्तराखंड आपदा के बारे में जानकारी, उन्होंने CM से राहत और बचाव कार्य के बारे में जानकारी हासिल की। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा की सूचना के संबंध में मैंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, DG, ITBP और DG NDRF से बात की। सभी संबंधित अधिकारी लोगों को सुरक्षित करने में युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। NDRF की टीमें बचाव के कार्य में लगी हुई है। देवभूमि को हर संभव मदद दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से पैदा हुई परिस्थितियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के संबंधित विभागों और अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर IMS।